गाय, अगर हम बात करें गाय की, बकरी, इस तरह के दुधारू पशुओं की बात करें, इन दुधारू पशुओं के साथ साथ आजकल एक नाम और प्रचलित होता जा रहा है, ऊंट, यानी ऊंटनी का दूध। ऐसा नाम थोड़ा सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन अब ऊंटनी को दुधारू पशु के रूप में घोषित कर दिया गया है और लगभग इतना दूध यहाँ ऊंटनी का निकलता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बीकानेर के एनआरसीसी की, जहां पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ केंद्र निदेशक डॉक्टर वी के पाटिल साहब। हम पाटिल साहब से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये ऊंटनी को दुधारू पशु किस तरह से हम लोगों ने घोषित करने में सफलता हासिल पाई। बहुत सालों से जब ऊंट की जब बात आती है तो भारत में ऊंटों का उपयोग सिर्फ भार ढोने का जानवर, जिसमें कि इस रेगिस्तान के प्रदेश में जहाँ पे रोड की उपलब्धता नहीं थी, बहुत सारे भौतिक साधन उपलब्ध नहीं थे, तब ऊंट ऐसा एक पशु था कि जहाँ हम उसके ऊपर सामान या गाड़ा उसको जोड़ते हुए एक से दूसरी जगह हम ले जाते थे। किंतु इस प्रदेश में जब थार डेजर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हुई कि जहाँ पे छोटे से ट्रक, अच्छे रास्ते और डेवलपमेंट की जो बात जो पूरे विश्व में सभी रेगिस्तानों में अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी हुई है। पर इसके साथ साथ एक बात हुई कि जो भौतिक साधन उपलब्ध होने के पश्चात भी जो पशु जो हमारे काम में बहुत वर्षों से जो आता था उसकी उपयोगिता कम हुई, और उसको देखते हुए जो राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र या एनआरसीसी, एनआरसी ऑन कैमल जो बीकानेर में स्थित है, उन्होंने ये देखा कि इसकी अन्य उपयोगिता की खोज की जाए, और जिसमें ये पता चला कि ऊंटनी ये जो जानवर है उससे दूध भी निकाला जा सकता है, और उस दूध की बहुत महत्ता है जो कि मानवीय रोगों को ठीक कर सकती है। उसकी अगर रोग हो चुका है तो उसके मैनेजमेंट कर सकती है ताकि बहुत ज्यादा खराबी और तरह से आए ना। पटेल साहब, तमाम तमाम तरह के रिसर्चों के बाद अब तक ये साबित भी हो चुका है कि डायबिटीज वन और डायबिटीज टू में इस जो कैमल मिल्क है उसका काफी उपयोग माना जाता है। अब चूंकि जो हमारा सेंटर है वो अब इसे पाउडर के रूप में भी विकसित करने की तैयारी कर रहा है, चूंकि ये सब की चीजें संभव नहीं थी, ये किस तरह से संभव हुआ? उठने का दूध बहुत सारे मानवीय रोगों में, जैसे आपने बात की कि डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 और ऑटिज्म जैसे मेंटल रिटार्डेड के बच्चे होते हैं उनमें भी कारगर से तो हो चुका है। उसी तरह से जॉन्डिस है या असाइटिस जो है पेट में पानी भर जाता है, या और ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात है उसमें भी बहुत अच्छी तरह से कारगर के रूप में अब साबित हो रहा है। उसके ऊपर हमारे अनुसंधान पूरी तरह से चल रहे हैं। बात ये थी कि इसको अगर जिन पेशेंट्स के पास पहुंचाने की बात थी तो उसको पूरी तरह से कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए नेचुरल दूध को ले जाना आवश्यक था। थोड़ा सा पाश्चराइज करते हुए भी हमने इसके प्रयोग किए और वो भी कारगर सिद्ध हुए, लेकिन कोल्ड चेन ये मेंटेन करना बहुत जरूरी था। कोल्ड चेन मेंटेन करना दूध के लिए, और वो भी कम मात्रा में दूध उपलब्ध हो, एक बड़ी कठिन परिस्थिति तैयार हो रही थी। इसके लिए हमने ये सोचा कि इस दूध को अगर पाउडर के रूप में, जो कि इसके पूरे गुणधर्मों को अच्छी तरह से साबुत रख सके, उस तरह से उसको करना आवश्यक था, और जिसमें हमने लायोफिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि सब 0 टेम्परेचर पे फ्रीज ड्राइंग करते हुए सब्लिमेशन से इसका पानी उड़ जाता है और बाकी जो पदार्थ उसमें रहते हैं वो एक पाउडर के रूप में संग्रहित हो सकते हैं। ये प्रोसेस को यूज करते हुए हमने इसकी पाउडर बनाई, और ये पाउडर की महत्ता और एक है कि ये वर्षों तक, 1 साल तक तो बिल्कुल आराम से रूम टेम्परेचर पे आप इसको संग्रह कर सकते हैं रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में, और 1 साल के ऊपर भी इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। और जितना आपको चाहिए उतना पाउडर लेते हुए पानी में इसको घोल बनाते हुए दूध तैयार कर सकते हो, एक सुविधाजनक। इस रिसर्च सेंटर में 35 वर्ष इसको स्थापित हुए हो चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अब तक ऊंटनी से दूध की आइसक्रीम, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, ऐसी कई चीजें तैयार हो चुकी है जो अब पब्लिक में जनता उसे बहुत चाव से खाती है। एक और प्रोडक्ट है जो कि नेगेट नाम का प्रोडक्ट है, वो भी आजकल इन दिनों काफी पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि इस नेगेट के बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे और भविष्य में और क्या ऐसा कुछ खाने पीने की कुछ ऐसे चीज जो ऊंट से बनने वाला है, दूध की बनने वाला है। जी, भारत
बाकी ये जो व्यंजन है वो ऊटनी के दूध से हम बना सकते हैं, उसका छना बनाते हुए हम बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, पेड़ा है, बर्फी है, या और कलाकंद वगैरह, ये सब चीज़ें है ही। जो नगेट की बात आपने की कि ये मॉडर्न फूड की तरह से हम फास्ट फूड में इसको शामिल कर सकते हैं, और उसमें हमने देखा है कि जो नगेट्स हम बड़े मसालेदार तरह से अगर इसको बनाए और लोगों के सामने रखे तो बहुत चाव से लोग इसको पसंद करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इससे पॉपुलर भी होगा और बहुत सारे लोगों को अगर इसका फ़ायदा अगर मिलने लगेगा तो इस प्रोडक्ट के जरिए कैमल मिल्क की अपनी उपयोगिता और तरह से सिद्ध हो जाएगी, और नया पदार्थ, नए कुछ प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट जो है कि यहाँ पे एक जो गर्मी को बीट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ राइज होता है, तो एक राव करके जो बात आती है, तो राव में एक होता है कि छाछ बनाते हुए उसमें अगर बाजरे का राव का राव तो उस राव को भी हम स्टैंडर्डाइज कर लिए हैं और वो गर्मी में उपलब्ध रहेगा। और दूसरी एक बात है कि इसका दही न जमने की वजह से हम इसको ड्रिंकिंग योगर्ट के नाम से इसको पॉपुलर करना चाह रहे हैं, और ये भी बात बताने की रही कि फर्मेंटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो छाछ हो या इस तरह से वे प्रोडक्ट हम बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें ऊटनी के दूध की उपयोगिता और ज़्यादा तरह से पूरी तरह से उभर कर सामने आएगी, और ख़ास करके जॉन्डिस और लीवर में जो फैट जमा होता है उनके लिए, और आर्टरीज में भी जो फैट जमा हो कि एथेरोस्क्लेरोसिस की जो बीमारी है उसमें भी कारगर सिद्ध होगा। तो निश्चित रूप से पाटिल साहब का जो कहना है, आने वाला समय ये बताएगा कि हमारे को जो राबड़ी जिसे राजस्थानी राबड़ी कहा जाता है वो राबड़ी भी मिलेगी, क्योंकि अब तक आइसक्रीम, नगेट और फ्लेवर्ड मिल्क के अलावा ये राब का जो बात बता रहे हैं ये सब कुछ मिलने लग जाएगा, तो निश्चित रूप से दुधारू पशु की वैल्यू और भी बढ़ेगी, क्योंकि राजस्थान का राज्य पशु भी है हमारा। धन्यवाद पाटिल साहब। बीकानेर से के सिंह।